मंत्री जी, वैसे तो पवार साहब को दिक्कत क्या है, सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी हैं महाराष्ट्र में, और दूसरी चीज मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया उन्होंने। सुप्रिया सुले ने भी काफी बातें की, उद्धव ठाकरे ने आज भी कहा है, उन्होंने कहा पवार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। और इंडिया जिसको आप INDIA ये बोल रहे हैं, उसकी मेजबानी उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जो पूरी पॉलिटिक्स है, इसके लिए पहले हम ज्ञानेश जी से पहले बात कर ले, फिर राजन के पास आएंगे। ज्ञानेश जी, आप ठीक से बता सकते हैं जो पवार की पॉलिटिक्स है और इसका क्या असर है। जी ज्ञानेश जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। ज्ञानेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, तो सर बात तो ऐसी है कि शरद पवार जाएंगे ऐसा तो मुझे कतई लगता नहीं है। ये कहानी जैसे फिल्म में कहानी होती है ना, कहानी में कैसा है कि बड़े बाप का बेटा होता है, समझ लीजिए अजीत पवार है, और विलन है, विलन की बेटी है, और विलन की निगाहें होती है बा उसके अजीत पवार पे नहीं होती है, उसकी शरद पवार की प्रॉपर्टी पे होती है विलन की निगाहें। तो अब उसने समझ लीजिए कि अजीत पवार को तो अपने इसमें फंसा लिया, विलन की बेटी ने अजीत पवार को फंसा लिया। अब दामाद तो बना दिया है उसको, मगर शरद पवार की असली प्रॉपर्टी जो है वो तो नहीं आ रही, समधी तो नहीं बने हैं, तो इसलिए वो तो अलग अलग दाने तो डालते रहेंगे, अलग अलग क्या बोलते हैं, कई कई बातें ये बना देंगे वो बना देंगे, वो तो करते रहेंगे, ये तो उनका खेल है। और ये जरूरी नहीं कि सलमान को 1000 लड़कियां कोई अपने अपने प्रपोजल देते हैं तो सलमान एक्सेप्ट करे, ये तो नहीं होता है ना। उसके लिए सलमान को क्यों बदनाम करे, सवाल ये है कि वैसे ही शरद पवार जी को क्यों बदनाम करे, वो डिमांड तो उन्होंने प्रस्ताव रखा है ना, ओके कई प्रस्ताव रख सकते हैं वो। मेन बात यह है कि शरद पवार के मामले में कि भाई वो बार बार क्यों मिलते हैं, इतने दिनों में, ये 1 महीना भी नहीं हुआ समझ लीजिए, तो 3 3 बार क्यों मिले हैं, ये सवाल की यानी सवाल खड़ा करता है। अब इसके पीछे भी पवार साहब का जो पूरा राजकारण है या उनका लाया पूरा पॉलिटिक्स में जिस तरीके की विचारधारा रही है या जिस तरीके से वो दाव खेलते हैं, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मुझे लगता है कि वो नहीं जाएंगे। हाँ ये बात जरूर है, मुझे अभी भी वही लगता है कि इस बहाने क्या है, एक बात देखिए कि इस हमले से शरद पवार के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ना, एक तरीके से संशय उनके प्रति पैदा हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस भी बच रही है, अटैक भी होने का है ना, कांग्रेस को भी एक राहत मिल जाती है, शिवसेना उद्धव गुट को भी राहत मिल जाती है कि चलो यार ये तो अपने इसमें आधा तो फंसा लिया है, इसको भतीजे को फंसा लिया है, तो शरद पवार भी आ गए तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरीके से शरद पवार की इस रणनीति से शिवसेना को भी थोड़ी राहत मिल गई है थोड़े समय के लिए, और कांग्रेस को भी बड़ी राहत मिल रही है। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस वाले जैसे कि पृथ्वीराज चव्हाण ने जो बोला है तो उनको संशय क्रिएट करना, क्योंकि वो उनके घोर विरोधी रहे, पृथ्वीराज चव्हाण और शरद पवार जो है तो ये घोर विरोधी है। अब ऐसे इसमें वो माहौल बनाएंगे, इनको जितना डैमेज कर सके उतना करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे जैसे शरद पवार के प्रति संभ्रम निर्माण हो गया, पहले बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी उनकी बन गई थी, बहुत अच्छी इज्जत बन गई थी कि चलो मसीहा करके एक शिल्पकार करके एक महाविकास आघाड़ी के, लेकिन अब ऐसी हो गई कि वो जरा खतरे में आ गई उनकी इज्जत मतलब प्रतिष्ठा। तो ऐसे ही इसमें ये भी अपना एक हथौड़ा मार देंगे, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ बहुत बड़ा चांस दिखता है कि अगर राष्ट्रवादी कम हो जाती है तो कांग्रेस इस बहाने राहुल गांधी की जो पदयात्रा हुई है, राहुल गांधी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है जनता के प्रति, जनता के मन में और जनता के प्रति भी लगाव दोनों साइड से राहुल गांधी और इसका हो रहा है जनता का, तो इसका फायदा तो कांग्रेस उठाना चाहेगी, इसीलिए उनका इक्वल पार्टनरशिप वाला साथीदार अगर है वो कमजोर हो जाता है तो इनका हिस्सा बढ़ जाता है, इनकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है, इनका शेयरिंग बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा अगर मगर थोड़े और ज्यादा ये अगर लुढ़क गए, जाएंगे तो नहीं मुझे अभी भी नहीं लगता है, क्योंकि जो मोदी और अमित शाह का राजकारण समझते हैं देखा है 10 साल में, वो गुजरात वाला छोड़ दीजिए, मगर ये 10 साल में जो देखा है ना, तो उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, मोदी के हाथ में नहीं है, शाह के हाथ में नहीं है, इन लोगों को ये अगर समझ लीजिए इनकी सत्ता तो जानी है 24 में, तो मुझे नहीं लगता है कि 99% सत्ता इनकी जानी है, और इतने बुरे हाल होंगे इनके कि इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे इसमें जो वो भी एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि भाई फिल्मों में होता है ना कि एक तो वो दूसरी एक टीम, गैंग नहीं बोलूंगा मैं अभी, तो दूसरी टीम होती है और इधर की टीम होती है, इसको मालूम है कि उसको मुझे जिंदा रहना है, तो
तो उसको मारना पड़ेगा, और उसको दूसरे को लगता है कि मुझे अगर जिंदा है तो इसको मारना पड़ेगा। तो एक खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे को खत्म करने वाली जो गला काट स्पर्धा जिसे बोलते हैं, तो उस टाइप के पॉलिटिकल मोड पे और ये मोदी जी शाह जी ने ये राजनीति को लाके रख दिया है, अपने आप को भी उन्होंने रख दिया है। और इसीलिए ये जो है ना संघ का जो है उनके खिलाफ में खेमेबंदी चल रही है। और दूसरी बात ये है, मैं एक बात और बता देना चाहूंगा इसमें, कि ये जो मिलते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार की बात निकली कि नीतीश कुमार गए थे दिल्ली अटल जी के बहाने, ठीक है ना, तो ये ऐसा मत समझिए कि मोदी शाह से मिले होंगे, ये भी हो सकता है कि दूसरे जो गडकरी है, ये भी हो सकता है कि राजनाथ सिंह के साथ खिचड़ी पका रहे होंगे, ये दूसरी बात को ध्यान में रखिए। और ये सच भी है, इसमें बहुत हद तक बातें सच है, मैं अंदर की बात बता दूं, आपको भी शायद पता चल गया होगा, मगर ये दूसरी खिचड़ी भी पका सकते हैं। और ये इसीलिए एक तरफा ही हम देखे कि भाई मोदी शाह ही सम्राट है और उन्हीं के नेतृत्व में जाना पड़ेगा, ये नहीं, ये भी यही सोच रहे होंगे कि भैया चलो अगर आपका थोड़ा सा कम करवा दो, अगर मेजोरिटी आपकी आपकी पार्टी सबसे बड़ी रहेगी तो हम आपके साथ में रहेंगे, ऐसा बोलने वाले भी उनके सगे समधी नहीं तो पड़ोसी या और क्या बोले चचेरे समधी, ऐसे तो इस रिश्ते में वो भी अपना गेम फिट करना चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए बिल्कुल आपने जो कहा ना कि छुप छुप के मिलते हैं, तो सार्वजनिक रूप से तो नहीं मिल सकते हैं, जैसे पवार और शरद पवार मिलते हैं वैसे ही मिलना होगा, वरना मोदी जी की तो IBED सब है। सतीश जी ने एक बात और कही थी कि इंडिया में बड़ा वो है, लेकिन एनडीए में क्या हुआ मणिपुर को लेकर के, मणिपुर के जो सांसद थे उनको मोदी जी ने के इशारे पे बोलने नहीं दिया गया, ये बातें बहुत कम आई है।